नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। इंसान का भौतिक विज्ञान जहां जाकर चुप हो जाता है, वहीं से रूहानी दुनिया शुरू हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान आज काफी आगे निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए अदृश्य शक्तियों की शरण में जाते हैं। ताजा मामला बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरखरा गांव का है, जहां सर्प दंश से मृत दो मासूम के शव के साथ 3 दिन तक जिंदा करने के लिए झाड़फूंक होता रहा और इस रूढ़िवादिता के खौफनाक खेल को रोकने और जिला चिकित्सालय ले जाने की जहमत किसी ने भी नहीं उठाई। ये पूरा मामला बलिया जिले के सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरखरा गांव का है। शनिवार की रात अक्षय कुमार, जिसकी उम्र 13 वर्ष, और रवि कुमार, जिसकी उम्र 10 वर्ष, दोनों सगे भाई हैं, एक ही चारपाई पर सो रहे थे और रात में 12 बजे के करीब चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन चारपाई के पास पहुंचे तो पता चला कि दोनों भाइयों को सांप ने काट लिया है। परिजन चारपाई के पास सांप को देखकर दंग रह गए और तत्काल चिकित्सालय ना जाकर अमोह के सती माई के स्थान पर झाड़फूंक के लिए चले गए, लेकिन झाड़फूंक का कोई नतीजा नहीं निकला और दोनों बच्चों की मौत हो गई। बावजूद ये सिलसिला वहीं समाप्त नहीं हुआ। शव को 3 दिनों तक घर पर रखकर तमाम ओझा और तांत्रिकों के माध्यम से बच्चों को जीवित कराने की कोशिशें चलती रही, जो बेनतीजा निकली। बेड पर सुते रहे यही तरह दोनों जना सरफ वातावरण के मच्छरदानी ताना रहे, मच्छरदानी के अंदर घुस गए हुए, डंक मार दिला भाई नाखी पहले दो वो। वही बरा सती माई के लेकर भागो या पता नहीं थे। इधर देखिए, आपका नाम क्या है चाचा? हमारा राजन नाम है। और ये लड़के किनके हैं? अभी इनका अक्षय कुमार नाम है, राजकुमार रवि किसान, राजकुमार के लड़के हैं सर। हाँ, गांव कौन सा है? यह भरखरा। भरखरा गांव है। यह कब की घटना हुई है? ये 12 बजे की घटना है, रात को। और कब जाने आप लोग? हम लोग तुरंत जान गए और तुरंत लेकर गए। कहाँ पर लेकर गए? सती माई पर। ये लड़के बताए कि क्या हुआ है, कि आप लोग देखे? नहीं नहीं, हेलो कोई बोला है लड़का कि बाबूजी सर्फ काट दिया। अच्छा, तो उस समय से कहाँ लेकर गए? हम लोग दौड़ करके गए देखे तो चारपाई पर से उतर के और भगने जा रहा है, तो हम लोग को तनिक तारुद खोजने में दुखलित हो गया है, ऐसे बल्ब जल रहा है। और तले इनकी माँ बोले कि हो जाता, डंडा चलाए तो बरी दिए कि नहीं नहीं, सती माई के यहाँ ले जाना है, नत मारो। हम लोग छोड़ दिए। इसके बाद कहाँ लेकर गए आप लोग? बाह दिए अमोक सती माई तो। और उसके बाद? उसके बाद वहाँ से वहाँ पर क्या घटना हुई? वहाँ तो ठीक हो गया। अच्छा, और वहाँ पर लड़के बोलने लगे और नहा करके जयकार मनाए। उसके बाद वहाँ का जो आदमी है वो बोला कि अब लेकर के घर जाओ। अच्छा, हम लोग लेकर के आए तो रास्ते में ऐसे फिर हो गया तो उनका जो है। बलिया की झाड़फूंक की ये तस्वीर 21वीं सदी के भारत के लिए बड़ी ही शर्मसार करने वाली है, जिसमें सांप काटने का इलाज झाड़फूंक और तांत्रिक कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य का दावा करने वाले सरकार की पोल खोल रहा ये झाड़फूंक, जिसमें मासूम बच्चों को जमीन पर लिटाकर 3 दिनों तक झाड़फूंक किया जाता रहा और बलिया स्वास्थ्य महकमा कान में तेल डालकर सोया रहा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि मृत बच्चों के परिजन जिम्मेदार हैं, सांप काटने पर डॉक्टर के पास जाए, ना कि झाड़ फूंक कराए। ऐसे लोगों को तो हम यही बताएंगे कि झाड़ फूंक पे विश्वास अपना न रखें। सीधे सीधे सांप काटता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। और उनके लिए संदेश यह है कि झाड़ फूंक से आप
उतने ही दोषी हैं झाड़ फूंक करा करके ठीक कराने के, जितना दोषी कि आपके द्वारा इलाज न कराना, बच्चे की जान लेने वाला जितना दोषी है उसमें सहभागिता उनकी भी उतनी ही है। अक्षय और रवि कुमार की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्या अंधविश्वास, क्या रूढ़िवादिता, या निरक्षर अजय और रवि के परिजन, या समाज, या यूं कहें तो सरकार के बड़े बड़े दावे जो हर अंतिम आदमी तक अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने का दम भरती हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन अक्षय रवि अब वापस नहीं आ सकते, यही सच्चाई है। वहीं विधि के जानकार अधिवक्ता अंबिका तिवारी का कहना है कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता ने इन दोनों मासूमों की जान ले ली है। झाड़ फूंक कोई इलाज नहीं होता। जी तिवारी जी, जो अभी सुपुरा के जो घटना है, जो दो बच्चों के सांप काटने से मौत हो गई है और वो 3 दिन तक बच्चे के शव रख के झाड़ फूंक किया गया है, तो वो आपके नज़र में किस तरह की है? वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांप काटने की एक ही दवा है हॉस्पिटल, बिना हॉस्पिटल के कोई बच नहीं सकता। झाड़ फूंक पुराने ज़माने में होती थी, लोग विश्वास करते थे और उससे कोई फ़ायदा ना हुआ था न होने वाला है। सांपों की कई वेराइटियाँ होती हैं, कुछ में जहर होता है कुछ में नहीं होता है। जिसमें जहर नहीं होता है उसके लिए तो झाड़ फूंक एक बहाना बन जाता है, लेकिन जिन सांपों में जहरीला सांप है जहर होता है उसके काटने से कोई झाड़ फूंक कामयाब नहीं होती है, बिना इंजेक्शन के, बिना दवा के, बिना हस्पिटल। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, ये कलंक है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।